हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरमा तोरी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। आज हम बनाएंगे भरमा तोरी। भरमा तोरी को बनाने के लिए हमने इसको छील लिया है, उसके बाद पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसको काटेंगे। ज़्यादा बड़े स्लाइस नहीं करेंगे और उसमें इस तरीके से भरने के लिए सबको से चाकू से इसको हम इसको कट कर देंगे, जिससे हम मसाला इसमें भर सके। ये देखिए, हमने इसको काट लिया छोटा छोटा। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, एक चम्मच धनिया, नमक आधी चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें जो हमने तोरी काटी थी, अब उसमें हम भरेंगे। इस तरीके से हम सारी तोरी भर लेंगे। आप इसको तोरी को हाथ से भी भर सकते हैं, वैसे हाथ से भरने में इजी होता है। ये देखिए, हमने सारी तोरी भर ली है मसाले से, और उसी मसाले में से हमने ये मसाला बचा लिया है, जिसको अभी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसमें डालेंगे राई और सरसों। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो, तो भी अच्छी बनेगी सब्जी। अब इसको हम भून लेंगे। मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। आप राई और सौंफ कुछ सेक के बिना भी बना सकते हैं। हमने इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी राई और सौंफ अच्छे से वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। हम इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे फ्लेयर, हम इसे इसलिए डाल रहे हैं, इससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आएगा। आप नहीं भी डालेंगे तो भी सब्जी आपकी अच्छी बनेगी। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने सरसों को और सौंफ को पीस लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। देखिए, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, काला डालेंगे। ये वो मसाला है जो हमने भरने के बाद बचा लिया है। इस मसाले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काला हमने भून लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तोरी को मसाले के साथ हम एक दो मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तोरी में हम आधी कटोरी से भी कम पानी डालेंगे, क्योंकि तोरी भी पानी छोड़ती है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। अब हम गैस को लो कर देंगे, इसको ढक देंगे। अब
ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप सूखी भी बना सकते हैं। थैंक यू। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।